मैं 12 साल से इस गर्ट की और आइटिस हर्निया की बीमारी से जूझ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी थी कि 24 घंटे की मैनोमेट्री पेज स्टडी की जाएगी, तो मैंने इसको कराया और इसके कराने के दौरान मुझे ना कोई दिक्कत हुई नली डलने के द्वारा, और मैंने अपना खाया पिया सब कुछ आराम से सोया। कल मेरी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के 2 घंटे बाद मैं स्वयं चलने फिरने लगा था और डॉक्टर साहब ने मुझे खाने की एडवाइस भी दी। आज मैं लगभग 4 महीने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मैं दवा नहीं ले रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं 12 साल से इस गर्ट की और आइटिस हर्निया की बीमारी से जूझ रहा हूँ, जिसका मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर चिराग ठक्कर का रिव्यू देखा तो मुझे अच्छा लगा और मैं कल अहमदाबाद आया और मैंने 24 घंटे की, डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी थी कि 24 घंटे की मैनोमेट्री पेज स्टडी की जाएगी, तो मैंने इसको कराया और इसके कराने के दौरान मुझे ना कोई दिक्कत हुई नली डलने के द्वारा, और मैंने अपना खाया पिया सब कुछ आराम से सोया, और अभी मैं दोबारा इसको निकलवाने आया हूँ और आगे जो भी रिव्यू होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मोहित गुप्ता उत्तर प्रदेश से हूँ। परसों डॉक्टर साहब के पास मैं आया था और पीएच स्टडी लेवल और मैनोमेट्री मेरी हुई थी, तो डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए एडवाइस किया। कल मेरी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के 2 घंटे बाद मैं स्वयं चलने फिरने लगा था और डॉक्टर साहब ने मुझे खाने की एडवाइस भी दी, तो कल रात तो मैंने लिक्विड लिया था और आज सुबह मुझे उपमा भी खाया और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे खाने के दौरान कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और डॉक्टर साहब का मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं मोहित गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पिछले 10 साल से हाइटस हर्निया और गर्ट की बीमारी से जूझ रहा था, जिसमें मुझे काफ़ी एसिड ऊपर आता था और मैं बहुत परेशान था, मैं कुछ खा नहीं पाता था, कुछ भी खाने में बहुत ज़्यादा जलन होती थी और अच्छा ही लगता था। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे डॉक्टर चिराग ठक्कर ने मुझे एडवाइस किया था कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, तो मैंने 16 मार्च 2020 को अपनी सर्जरी कराई। उसके बाद मुझे थोड़ा ऑपरेशन के बाद निकलने में थोड़ा सा 1-1.5 महीने दिक्कत रही, पर उसके बाद बिल्कुल ये दिक्कत भी धीरे धीरे ख़त्म होती गई, और आज मैं लगभग 4 महीने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मैं दवा नहीं ले रहा हूँ। और डॉक्टर साहब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका एडवाइस, उनका प्रिस्क्रिप्शन मुझे सब अच्छा लगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से अगर पीड़ित हो तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर चिराग ठक्कर से अपना कंसल्टेशन करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो अपनी कुछ दिनों पहले या 10 साल बाद पहले से लगा था, मैं तो अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका था, पर डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा समझो मुझे जीना सिखा दिया। और मैं अपना इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी ये दिक्कत है तो बेझिझक डॉक्टर साहब से अपना कंसल्ट करें, बहुत अच्छा है और कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की। और पहले मैं 4 रोटी खा पाता था, पर अब मैं 4 से 5 रोटी खाता हूँ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती।